तो दोस्तों फरदीन खान इज बैक एंड ही इज बैक विद अ बैंग। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फरदीन खान के नए लुक की, जो भाई उन्होंने अपनी अगली फिल्म विस्फोट के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, फरदीन खान अपना कमबैक कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो भाई कई दिनों से खो से गए थे और वो पता नहीं कहाँ खो गए थे, और उनका वजन भी काफी बढ़ गया था। लेकिन ही इज गियर अप एंड शेप में आ रहे हैं वो, एंड इसी के साथ उन्होंने अपना लुक कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। एंड दोस्तों ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली हैंडसम। हालांकि दोस्तों वो पहले भी काफी हैंडसम लगते थे, एंड मुझे लगता है कि बॉलीवुड में वो वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स में से एक हैं। और दोस्तों वो अपनी अगली फिल्म विस्फोट में कमबैक कर रहे हैं, और इस फिल्म में उनके साथ नजर आ रहे हैं रितेश देशमुख। जी हाँ दोस्तों, रितेश देशमुख एंड फरदीन खान की जोड़ी जो हमें हे बेबी में देखने को मिली थी, फिर से दोबारा हमें देखने को मिलेगी एक वेनेजुएलियन फिल्म रॉक पेपर सीजर्स के हिंदी रीमेक में। और दोस्तों इस फिल्म को ला रहे हैं संजय गुप्ता, जो अपने गैंगस्टर फिल्म्स के लिए काफी मशहूर हैं। हालांकि दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग अभी चालू है, एंड रितेश देशमुख एंड फरदीन खान बिजी हैं अपने शेड्यूल में, लेकिन फरदीन खान का लुक आउट हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली ये लुक उनकी अपकमिंग फिल्म विस्फोट का ही हो सकता है। फिलहाल दोस्तों आपको इनका लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और आपकी फरदीन खान के बारे में क्या राय है वो भी बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।